हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से माउंटेन कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। पिछले टॉपिक में हमने उद्योगों के बारे में पढ़ा, आज हम पढ़ते हैं जो सूरजकुंड का जो क्राफ्ट मेला है यानी कि शिल्प मेला, हस्तशिल्प मेला, उसके बारे में। तो पहले क्वेश्चन से हम स्टार्टिंग करते हैं, सूरजकुंड का निर्माण किसने करवाया था? तो सूरजकुंड का जो निर्माण है वो करवाया था भाई राजा सूरजपाल ने, और इसी का दूसरा नाम क्या था? अनंगपाल द्वितीय या अनंगपाल तोमर। ये तोमर वंश का राजा था अनंगपाल तोमर या सूरजपाल, इसी के नाम से इसने सूरजकुंड का क्या करवाया? निर्माण। क्योंकि ये सूर्य की आकृति में बना हुआ है, सूर्य का क्या था? ये सबसे बड़ा उपासक था, दिल्ली का राजा था ये अनंगपाल। और कौन सी सदी के अंदर करवाया? तो 10वीं सदी में इस सूरजकुंड का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। बाद में आगे चल करके यहाँ पे पर्यटक स्थल के रूप में हरियाणा सरकार ने इसे क्या कर दिया है? आवंटित कर दिया है। अरावली जो फरीदाबाद के अंदर अरावली श्रेणी है ना, सूरजकुंड पड़ता कहाँ पे भाई? तो फरीदाबाद में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? फरीदाबाद में। तो अरावली श्रेणियों के साथ में ये सूरजकुंड है। और कौन सी सदी में बना था? ये 10वीं सदी में। किसने बनवाया? राजा सूरजपाल ने, जिसका दूसरा नाम क्या है? अनंगपाल तोमर है भाई। अगला क्वेश्चन, सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी जो शुरुआत है ना वो हुई थी 1987 में, 1987 के अंदर इसकी क्या हुई? शुरुआत हुई। लेकिन इसको राज्य स्तर के ऊपर पहचान, राज्य स्तर पर पहचान वो कब मिली भाई? तो वो मिली थी 1989 को, क्योंकि 1989 को पहला थीम राज्य, प्रथम थीम राज्य, तो प्रथम थीम राज्य कौन सा बना था? राजस्थान बना था भाई। कौन सा बना था? राजस्थान 1989 में। तो इसे राज्य स्तर पे क्या मिली थी? पहचान मिली थी 1989 में। और पहली बार इसका आयोजन कब हुआ था? 1987 के अंदर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं भाई, भारत का सबसे बड़ा हस्तशिल्प मेला कौन सा है? इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये विश्व का ही सबसे बड़ा क्राफ्ट मेला है यानी हस्तशिल्प मेला है भाई। कौन सा मेला है? सूरजकुंड मेला। ये क्या है? सबसे बड़ा मेला है। प्रगति मैदान मेला, ये पुस्तक मेला भरता है भाई दिल्ली के अंदर। शीतला माता मेला, ये गुड़गांव के अंदर। फल्गु का मेला, ये फरल गांव कैथल में भरता है भाई, ये फरल कैथल के अंदर फल्गु का मेला भरता है। इम्पोर्टेंट है भाई। तो भारत का सबसे बड़ा हस्तशिल्प मेला पूछे तो कौन सा है? सूरजकुंड मेला है भाई। अगला क्वेश्चन भाई, सूरजकुंड मेले का पहला फोकस राष्ट्र कौन सा था? अब एक बात आप याद रखना भाई, यहाँ पे क्या है? फोकस। तो किसी कंट्री की जो संस्कृति ना, किसी देश की संस्कृति है, वहाँ के मतलब जो प्राचीन संस्कृति है, किस तरह से वो निर्माण करते थे किसी भी चीज़ का, उनके बारे में। तो इसमें तो पहला फोकस किया गया था 2009 में। उसके बाद से 2009 में तो पहला फोकस राष्ट्र कौन सा बना भाई? तो मिस्र बना था। कौन सा बना था? मिस्र, जिसका दूसरा नाम क्या है भाई? इजिप्ट। दूसरा नाम क्या है इसका? इजिप्ट है भाई। क्या नाम है? इजिप्ट। मिस्र की राजधानी पूछे तो काहिरा है, और मुद्रा पूछे तो पाउंड है भाई। मुद्रा कौन सी है? पाउंड। तो सूरजकुंड मेले का जो पहला फोकस राष्ट्र 2009 में वो कौन सा बना था? इजिप्ट बना था भाई। इजिप्ट यानी कि मिस्र। अब इसके बाद से इसको पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर पहचान मिली थी भाई 2012 में। वो पहचान कब मिली थी? 2012 में मिली थी भाई। तो ध्यान रखिएगा, 2012 के अंदर पूरी तरह से इसे क्या मिली थी? पहचान मिली थी। तो ये 26वां संस्करण था इसका। कौन सा संस्करण था? 26वां संस्करण। तो 2012 में पहला सहभागी देश बनाया गया था, यानी पार्टनर कंट्री भाई, सहभागी देश, यानी इसके कलाकार भी यहाँ पर मिल करके क्या हैं, अपनी मतलब दुकानें यहाँ पे लगा सकते हैं। तो थाईलैंड को बनाया गया था पहला सहभागी देश या पार्टनर कंट्री पूछे तो 2012 में 26वां संस्करण था सूरजकुंड मेले का। और पहला फोकस राष्ट्र पूछे ना तो मिस्र यानी इजिप्ट, वो 2009 में बना था भाई। तो 2009 में संस्करण कौन सा था? 23वां था भाई। अगला क्वेश्चन, हाँ देखो अगला, मैंने अभी बताया था, ये आपके सामने आ ही गया है भाई। अब सूरजकुंड मेले का पहला सहभागी देश यानी पार्टनर कंट्री पहली कौन सी बनी थी? तो पार्टनर कंट्री 2012 में कौन सी बनी थी भाई? थाईलैंड बनी थी। और सन कौन सा था? 2012 का। किर्गिस्तान ये 2018 के संस्करण में थी भाई।
2018 में, और ये 2012 में 26वां संस्करण था भाई। कौन सा संस्करण था? 26वां। और इसमें पूछे ना तो ये 32वां संस्करण था। मिस्र पहले तो फोकस राष्ट्र हो गया, बाद में क्या बन गया? ये साथी देश यानी पार्टनर कंट्री, ये 2017 में बना भाई। मिस्र का बना था 2017 के अंदर, 31वां संस्करण था भाई। और चाइना ये 30वां संस्करण था, 30वां संस्करण। और ये 30वां संस्करण कब था? 2016 में भाई, तब चाइना सहभागी देश था। ये आप ध्यान रखना, सूरजकुंड मेले का पहला सहभागी देश कौन सा था? तो कौन सा था? थाईलैंड था। संस्करण पूछे तो कौन सा था? 26वां संस्करण था, और 2012 में हुआ था भाई। अगला क्वेश्चन, सूरजकुंड मेले के फरवरी 2020 तक कितने संस्करण हो चुके हैं? तो फरवरी 2020 में हर वर्ष है ना, ये कौन से महीने में पड़ता है भाई? फरवरी में। तो अब तक इसके कितने संस्करण हो चुके हैं? 34 संस्करण हो चुके हैं। कितने संस्करण भाई? 34। अब यहाँ पे हम बात करें 31वां जो संस्करण था, 31st भाई, तो 31st में कौन सा था? यहाँ पे सहभागी देश तो कौन सा था? अब मिस्र था भाई। कौन सा था? मिस्र। और ये थीम राज्य पूछे ना, तो थीम राज्य था झारखंड। 31वें में थीम राज्य कौन सा था? झारखंड था भाई। 32वां, और ये हुआ कब? 31वां 2017 में भाई। कब हुआ था? 2017 में। 32वां संस्करण इसके अंदर सहभागी देश पूछे ना तो किर्गिस्तान भाई, किर्गिस्तान सहभागी देश। और ये सात मतलब भी थीम राज्य पूछे तो उत्तर प्रदेश था भाई। थीम राज्य कौन सा था? उत्तर प्रदेश। और ये संस्करण कब हुआ? 2018 में। ये संस्करण कब हुआ था भाई? 2018 में। और संस्करण कौन सा था? ये 32वां संस्करण था भाई। और इसका उद्घाटन यहाँ पे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा 32वें संस्करण का उद्घाटन किया गया था। 33वां जो संस्करण था 2019 में भाई, उसमें थाईलैंड एक बार फिर से पार्टनर कंट्री बना भाई, थाईलैंड। और थीम राज्य कौन सा बना? तो महाराष्ट्र। और इसका उद्घाटन महाराष्ट्र के तत्कालीन सीएम यानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के द्वारा भाई, 33वें संस्करण का। तो ये कब हुआ? 2019 में। अभी फरवरी 2020 में कौन सा संस्करण हुआ इसका? 34वां संस्करण। तो 34वें संस्करण के अंदर पूछे ना तो पार्टनर कंट्री तो उज्बेकिस्तान भाई। कौन सी थी? उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान। और इसमें थीम राज्य पूछे तो हिमाचल प्रदेश भाई। थीम राज्य कौन सा था? हिमाचल प्रदेश। 34वां संस्करण फरवरी 2020 में भाई। इसका उद्घाटन अपने जो देश के महामहिम में वर्तमान में राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था भाई। अगला क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 7 पे बढ़ते हैं। ये आ गया भाई, देखो सूरजकुंड मेले का पहला थीम राज्य कौन सा था? तो सूरजकुंड मेले का पहला थीम राज्य कौन सा था? राजस्थान में। और इस पहले थीम राज्य के साथ ही सूरजकुंड मेले को राष्ट्रीय स्तर पर क्या मिल गई थी भाई? पहचान। और ये कब बना था? 1989 में, 1989 में। 1990 में पश्चिम बंगाल बना भाई थीम राज्य। पश्चिम बंगाल कब बना? 1990 में। उत्तर प्रदेश पूछे तो 2018 में थीम राज्य बना। कब बना था? 18 में थीम राज्य। महाराष्ट्र की पूछे तो 2019 में भाई, महाराष्ट्र थीम राज्य 2019 में था। कब था भाई? 2019 में। अगला क्वेश्चन भाई, ये मैंने पीछे आपको बता दिया था, फिर से इसका रिपीटेशन में आ गया। सूरजकुंड मेले के 34वें संस्करण में सहभागी देश और थीम राज्य कौन से हैं? तो सहभागी देश और थीम राज्य कौन से हैं भाई? तो सहभागी देश और थीम राज्य इस पीछे बताया था कौन से हैं? उज्बेकिस्तान और हिमाचल प्रदेश। और 34वां संस्करण 2020 में भाई। थाईलैंड और महाराष्ट्र पूछे तो 2019 में। और ये संस्करण कौन सा था? 2019 वाला भाई। तो 2019 वाला संस्करण पूछे ना तो 33वां। किर्गिस्तान और उत्तर प्रदेश पूछे तो ये 2018 में 32वें संस्करण में भाई, 2018 के 32वें संस्करण में। मिस्र और झारखंड पूछे तो ये 2017 में भाई। और संस्करण कौन सा था? 31वां संस्करण। संस्करण कौन सा था? 31वां संस्करण। तो अब की बार जो 34वां संस्करण 2020 में हुआ उसमें उज्बेकिस्तान तो पार्टनर कंट्री, और थीम राज्य कौन सा था? हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन भाई, सूरजकुंड मेला हर वर्ष कौन से महीने में मनाया जाता है? तो ये प्रतिवर्ष जो सूरजकुंड महीना है ना, वो मेला है, वो हर वर्ष फरवरी माह में भाई। कौन से माह में? फरवरी माह में। तो
तो जो अब की बार जो 34वां संस्करण हुआ ना, पहले जब देखो इसकी स्टार्टिंग हुई थी तो इसकी स्टार्टिंग थी 1 से 15 फरवरी को भाई, कब से कब तक थी, 1 से 15 फरवरी को स्टार्टिंग में, 1 से 15 फरवरी को इसकी क्या हुई भाई स्टार्टिंग। अब यहाँ पे बीच में क्या हुआ भाई, यहाँ ये जिसके संस्करण है, यहाँ पे इसके क्या है भाई जो संस्करण है उनके बारे में हम बात करें तो बीच में थोड़ा सा इसमें चेंजमेंट हो गया था भाई। और इसके अंदर जो चेंजमेंट हुआ ना वो हुआ कैसे भाई, तो उन चेंजमेंट की जो 32वां संस्करण था ना, 32वें संस्करण के अंदर कौन कौन से जिले अपने पढ़ते हैं भाई, 32वें संस्करण के अंदर ये अपना सहभागी देश और उनके बारे में पूछे तो कौन कौन से हैं, तो 32वें संस्करण के अंदर पहली बार जो 32वां संस्करण हुआ ना 2018 में, 32वां संस्करण कब हुआ था 2018 में, तब पहली बार ये 2 फरवरी से 18 फरवरी तक, 2 से 18 फरवरी तक चला गए। अब 33वें संस्करण में जो 33वें संस्करण 2019 में हुआ, तब थीम राज्य कौन सा था भाई, 33वें संस्करण में थीम राज्य था महाराष्ट्र, वो देश कौन था, द पार्टनर थाईलैंड। ये इसमें प्रथम शुक्रवार से, फरवरी माह के प्रथम शुक्रवार से और तीसरे रविवार तक ये टाइमिंग किया गया भाई। लेकिन अब की बार यानी कि अब की बार जो 34वां संस्करण हुआ, कौन सा संस्करण भाई, 34वां संस्करण 2020 में जो 34वां संस्करण हुआ उसके अंदर क्या किया गया भाई, उसके अंदर इसे फिर से 1 से 16 फरवरी तक टाइम, इसका 1 से 16 फरवरी तक ये चला गया। तो ये हर वर्ष है ना कौन से महीने में मनाया जाता है, फरवरी माह में मनाया जाता है भाई। क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट भाई, हरियाणा का पहला कैशलेस मेला कौन सा है, तो देखो हरियाणा का पहला कैशलेस मेला होने का जो गौरव है ना वो भी किसे प्राप्त हुआ है भाई, तो वो हुआ है यहाँ पे, इसके अंदर ये ऑप्शन ने थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया भाई, तो पहला कैशलेस मेला सूरजकुंड मेला ही है भाई, कौन सा मेला है, सूरजकुंड मेला है। टाइपिंग मिस्टेक हो गया भाई थोड़ा सा, सॉरी उसके लिए, लेकिन इसका आंसर क्या होगा, सूरजकुंड मेला, ये हरियाणा का पहला कैशलेस मेला है। हरियाणा का पहला कैशलेस गांव पूछे तो निलावली गांव है सिरसा का, और पहली कैशलेस यूनिवर्सिटी पूछे तो KUK यूनिवर्सिटी है भाई, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है। चलो मैं इन ऑप्शन अगर दिए हैं तो इनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। शीतला माता का मेला ये गुरुग्राम में भाई, शीतला माता का मेला कहाँ पड़ता है, गुरुग्राम में। सलोनी यानी रक्षाबंधन का मेला तो ये झज्जर जिले में भाई, ये कौन से जिले में पड़ता है, झज्जर में। कनवा का मेला फरीदाबाद में, ये HSSC के द्वारा जो ये मेले हैं ना ये बार बार पूछे जाते हैं भाई। कनवा का मेला कहाँ पड़ता है, फरीदाबाद में। और छड़ियों का मेला ये अमूपुर करनाल में भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, अमूपुर करनाल में ये छड़ियों का मेला भरता है। और हरियाणा में मेलों का गाँव पूछे तो सालवन है भाई, मेलों का गाँव कौन सा है, सालवन, वो भी किस जिले में पड़ता है, करनाल में ही पड़ता है, इस जिले में पड़ता है भाई, करनाल के अंदर। तो ये सूरजकुंड से जुड़े हुए अपने जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे वो मैंने सारे के सारे इस वीडियो में क्लियर करवाने की कोशिश की। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो आप प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब चैनल को और लाइक ज़रूर कीजिएगा भाई। अगर कोई थोड़ी बहुत दिक्कत कहीं पर रहती है भाई समझने में तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद भाई, आज के लिए बस इतना ही।